यहां जितने लोग बैठे इतनी बड़ी संख्या में, मैं
स्वामी जी समझ में नहीं पा रहा था, विनायक जी इतनी बड़ी भीड़ कितनी होगी मोहरमा में, ये आपका जलवा है, आपका इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहां उपस्थित हैं। मैं इसके आधार पर कह सकता हूं कि आवास वाले ही जिसको ये कह रहे हैं तो आवास वाले हैं और सब इकट्ठे कर जगह ही नहीं बनेगी। लेकिन आपके प्रेम सौहार्द उत्साह को देख के मैं कह सकता हूं आने वाले 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी का हिंदुस्तान में कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं, चाहे अखिलेश आए, चाहे राहुल आए, चाहे रेणुका आए, चाहे कोई भी व्यक्ति आ जाए। लेकिन अब तो भाजपा 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 और भाजपा, और याद रखिएगा भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का जीवन राष्ट्र के लिए है। प्रथम राष्ट्र तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार रहने रहे, योगी के आगे पीछे कौन है? वो तो सैफई वालों की जब सरकार थी तो बिजली उन्नाव में नहीं आती थी, सीधी सैफई चली जाती थी, मालूम है ना? नहीं मालूम? मैंने यही मोहरमा पहले कहा था, अगर आपने मुझे एमपी बना दिया तो सैफई के फीडर के तार काट के उन्नाव के फीडर पे जोड़ दूंगा। वो भेजिए बाबा जी, जनता ने कहा इतने एमपी बना दिया बाबा जी क्या, हमने हमको एमपी बना दिया और हमने सैफई वाले तार काट के उन्नाव के फीडर पे जोड़ दिया, अट्ठारह घंटे बिजली आने लगी। और उन्नाव में ही नहीं, सारे प्रदेश में 18 घंटे बिजली और शहरों में 24 घंटे बिजली आ रही। लेकिन जब से परिवारों की परिवार की सरकार थी उनका बस चलता तो अजय सिंह थोड़ा ही एमएलए बनते, सैफई के नेता नहीं एमएलए बन जाते, नंबर ही नहीं आने वाला था। ये स्थिति परिवारवाद जातिवाद लिमिटेड कंपनी सैफई वालों की, और इन्होंने वो राजनीति के पप्पू है राहुल गांधी बेटी पत्र वही, और राहुल जो कहे तो सही पत्र वही, अखिलेश जो कहे तो यहां नहीं है, यहां भारत के भाग विधानता नरेंद्र भाई मोदी योगी आदित्यनाथ, ऐसा सुशासन कभी दे पाता क्या? आप जरा बता दो किसी माफिया को वहां वहीं पर प्रोविजर भेज देंगे? पहले तो भगवान चक्र सुदर्शन लेके आते थे, धनुष बाण लेके आते थे दुष्टों का संहार करने के लिए, अब जमाना चक्र सुदर्शन का तो रहा नहीं, धनुष बाण का भी नहीं रहा, तो बुलडोजर का जमाना आ गया। तो यहां पता चलता है कि आदित्यनाथ जी को तुरंत सीधा बुलडोजर चला जाता है,